हम लोग अभी देखेंगे कि लिनक्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले विंडोज के अंदर, लिनक्स एज अ विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स मतलब WSL, एंड द करंट वर्जन इज WSL 2, तो उसका यूज करके आप लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं आपके सिस्टम के अंदर, विंडोज सिस्टम के ऊपर। ओके, सो इट्स लाइक अ वर्चुअल मशीन बट नॉट एग्जैक्टली अ टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम। जितने भी रिक्वायर्ड चीजें हैं इट विल इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम। ठीक है, तो इसके लिए अगर डॉक्यूमेंट देखना है तो आप कोड इनसाइड एकेडमी जा सकते हैं। क्या कोड इनसाइड एकेडमी ब्लॉग के अंदर आपको सिर्फ सर्च करना है LEMP, दैट इज लिनक्स एंजिनेक्स, ठीक है, माई सिक्वल LEMP, अगर आप सर्च करते हैं सो इट विल शो यू द इंस्टॉल लेम ऑन WSL। और यहां पर जाने के बाद यू कैन फाइंड टू इंस्टॉल यूबुंटू लिनक्स ऑन विंडोज फॉलो द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द बिलो साइड। ठीक है, तो इसके ऊपर हम जाएंगे और यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से वर्जन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, सो हियर यू कैन सी डाउनलोड फ्रॉम विंडोज। हाँ, दीज आर द कमांड्स विच यू कैन यूज। ओके, जनरली ये कहा जाता है कि यू शुड यूज वर्जन 2, क्योंकि वर्जन 2 में काफी इंप्रूवमेंट किया है। तो सबसे पहले मैं पावर शेल में चले जाता हूँ, पावर शेल, ठीक है, विंडोज पावर शेल, इट इज लाइक अ टर्मिनल। ओके, बट जैसा लिनक्स में शेल होता है उस तरह से ये शेल है। ओके, यू विल हैव मोर राइट्स। ओके, तो मैं इसको एंटर करता हूँ, WSL.exe सेट डिफॉल्ट वर्जन 2, ठीक है, इन फ्यूचर दिस माइट बी 3, अगर आप फ्यूचर में देखेंगे तो शायद थर्ड वर्जन भी आ जाए। ठीक है, is not coming, WSL is not the command, let me try with WSL। okay fine, so second चीज हमें क्या करनी है, try करके देखना है इसको as it is install करने को। second चीज हमें करनी है Microsoft Store से, ठीक है, यहाँ पर जैसे दिया है डाउनलोड फ्रॉम Microsoft Store, तो हमें Microsoft Store में जाना है और वहां पे सर्च करना है Ubuntu। ठीक है, यूबुंटू के अलावा और भी बहुत सारे लिनक्स के डिस्ट्रोज है यहाँ पर, जैसे आप देखेंगे। ठीक है, तो लिनक्स के डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रोज है यहाँ पर अवेलेबल। काली लिनक्स है जो खास करके सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है, इसमें इनबिल्ट बहुत सारे टूल्स रहते हैं। लिनक्स शीट शीट है, यूबुंटू 18.4 है, सुसे लिनक्स है, ठीक है, आई थिंक सेंटोएस भी होना चाहिए, ओपन सुसे तो है यहाँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिल जाएंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, बट यूबुंटू इज द मोस्ट पॉपुलर वन, सो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल यूबुंटू ओनली। ओके, तो यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर लिया है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस लॉन्च बटन। इफ यू हैव बन इंस्टॉल्ड इन योर सिस्टम तो आप लोगों को यहाँ पर इंस्टॉल का बटन आएगा, उस पर क्लिक कर देना। क्रीडेंशियल्स पूछ सकता है वो आपको माइक्रोसॉफ्ट के, और ट्राई करना उसको एज इट इज उस पॉपअप को क्लोज करने का। अगर नहीं होता है क्लोज तो फिर आप क्रेडेंशियल डाल के उसको इंस्टॉल कर सकते हो। इट वॉन्ट बी चार्जेबल, सिर्फ ये रजिस्टर करेगा कि आपके यूजर के थ्रू वो इंस्टॉल हुआ है। इट्स लाइक जैसे आप गूगल के प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, उस तरह से आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर से ये यूबुंटू ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है, जो यूबुंटू यहाँ पर जो वर्जन है, दिस इज नथिंग बट 20th वर्जन, यूबुंटू 20.04, यस, दिस इज द यूबुंटू 20.04 LTS, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है, तो ये वाला चीज आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और फिर बाद में आपको लॉन्च का बटन आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, लॉन्च का बटन अगर यहाँ पर क्लिक नहीं करना है तो आप इसको एज इट इज क्लोज कर सकते हैं। यू कैन जस्ट सर्च फॉर यूबुंटू। ओके, जैसे ही यूबुंटू पे आप क्लिक करेंगे सो इट विल ओपन अप कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, एंड इट इज सेइंग WSL रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन फेल्ड विद द एरर। ठीक है, द विंडोज सिस्टम फॉर लिनक्स ऑप्शनल कंपोनेंट इज नॉट एनेबल्ड, तो ये एरर आपको भी आ सकता है। सो इस केस के में आपको क्या करना है, आपको जस्ट जाना है विंडोज फीचर में, विंडोज फीचर, ठीक है, टर्न विंडोज फीचर्स ऑन एंड ऑफ, इस पे क्लिक करने के बाद यू विल गेट दी ऑप्शन। ये आपको
डॉकर इंस्टॉल करने के वक्त, वीएमवेयर इंस्टॉल करने के वक्त भी आपको इसका यूज करना पड़ सकता है, ठीक है, या फिर एंड्रॉइड के वक्त भी आपको इसका यूज करना पड़ सकता है। तो सबसे बॉटम में जाएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ पर चेक करेंगे विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स पे चेक बॉक्स लगा है या नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स पे चेक बॉक्स नहीं है, तो यहाँ पे मैं चेक कर देता हूँ एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू हिट ओके। यहाँ पर इसको नेक्स्ट क्लिक कर देना। इट माइट आस्क यू फॉर रिस्टार्टिंग योर सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस है, हाइपर वी का ऑप्शन आई थिंक एंड्रॉइड के वक्त देना पड़ता है, वर्चुअल मशीन वीएम प्लेटफॉर्म के वक्त शायद ये ऑप्शन देना पड़ता है, डॉकर इंस्टॉलेशन के वक्त भी हम लोग देखेंगे इसको कैसा करेंगे इस, ठीक है। बट फॉर नाउ यू जस्ट नीड टू क्लिक ऑन दिस विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स, इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट, देखो यहाँ पर पूछ रहा है वो सिस्टम रिस्टार्ट करना है या नहीं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिस्टम रिस्टार्ट के लिए दे देता हूँ, ठीक है, और बाकी का पार्ट हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, एक बार रिस्टार्ट हो गया फिर देखते हैं कि वो इंस्टॉलेशन होता है या नहीं, मतलब दिस मैसेज शुड बी गॉन ओके वंस वी रिस्टार्ट दिस सिस्टम, बिकॉज इट इज आस्किंग मी लिनक्स ऑप्शनल कंपोनेंट इज नॉट एनेबल्ड। तो हमने विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स इसको एनेबल कर दिया यहाँ से, नाउ इट इज आस्किंग मी फॉर द रिस्टार्ट। तो हम लोग इसको रिस्टार्ट कर देते हैं एंड देन उसके बाद चेक करते हैं बाकी चीज।